हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम विजय कुमार है और आप देख रहे हैं टेक्निकल विजय चैनल तो दोस्तों पे टी एजेंट होता है जो तो दोस्तों उसमें ये जो हमको क्या कहते है हैं डिवाइस लेनी पड़ती है तब तो हम पे टी एजेंट का अकाउंट खोल सकते हैं तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि इसकी हम पुनः रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे यानी कि अगर कोई भी आपकी पुरानी डिवाइस है या आपका रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया है तो रजिस्ट्रेशन कैसे करें ऐसा होता है कि साल में एक बार हमें पैसा पे करना पड़ता है यहाँ पर तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में हम आज जानेंगे तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए तो दोस्तों ये जो डिवाइस है मुझे सोलह सौ बानवे रुपये की मैंने इसे खरीदी थी परचेज़ की थी दोस्तों और इसे आप करना चाहते हैं क्या कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा एक बात ही यहाँ पर देख सकते हैं ये सीरियल नंबर सात अंक का होता है तो दोस्तों इसको आपको याद रखना है ठीक है ना और इसे आपको अगर खरीद खरीदना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए तो मैं आपका अभी वीडियो बना देंगे बता दूँगा कि कैसे खरीदें अभी हम बात करते हैं कि इसकी हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे क्योंकि मेरा इस डिवाइस का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है एक साल से ज़्यादा हो गया इस तो वजह से मेरा इस डिवाइस का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम फोन की होम स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं तो चलिए दोस्तों चलते हैं दोस्तों आपको अपने मोबाइल पे आने के बाद क्रोमो पे चले जाना है क्रोमो पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर देना है एस ई -E आर सर्विस मंथ्राटेक डॉट कॉम यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर इसकी वेबसाइट आ रही है तो यहाँ से इसकी आप आईडी ले सकते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना जैसे मैं यहाँ पे क्लिक तब दोस्तों जैसे इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा अगर इस तरह का आपका ऑप्शन नहीं भी आता है तो आपको वहाँ पर चार नंबर मिलते होंगे चार नंबर पे नीचे आपको वहाँ पे लिखा होगा मेक पेमेंट तो आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है ठीक है ना मेरे पे डायरेक्टली ये ऑप्शन आ गया है तो सिंपली क्लिक हर फोर पेमेंट पर पे आपको क्लिक करना है आपका भी कुछ इस प्रकार का एंटर आ जाएगा सॉरी ये नीचे देख सकते हैं क्लिक हर फोर पेमेंट पर क्लिक कर देना जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपको करना क्या है ये जो क्लिक आ डी सर्विस पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है ना आर डी सर्टिफिकेट मैं क्लिक कर देता हूँ वो क्लिक करने के बाद फिर आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दिया पेमेंट आई को आपको छोड़ देना है अपना नाम दे देना है अपना मोबाइल नंबर दे देना है मेल दे, दे देना है कंपनी नेम तो कंपनी नेम में आपको क्या देना है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको दे देना है मंत्रा ठीक है ना तो हम मंत्रा की वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम मंत्रा यहाँ पे कंपनी नेम पे दे देंगे कंपनी जीएसटी नंबर आपको डालना नहीं है एप्लीकेशन नाम पे आपको डाल देना है मंत्रा मैनेजमेंट अगर डालना चाह नहीं तो फिर अपना नेम डाल सकते हैं और सीरियल नंबर सीरियल नंबर जैसे कि मैंने आपको वहां पे डिवाइस पे बताया था सीरियल नंबर आपका सात अंक का होता है तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करने के बाद सीरियल नंबर डाल दीजिए फिर ऐड से ऐड कर दीजिए अब दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा पैक लेना है वन ईयर प्लस सब कुछ मतलब एक साल के लिए अगर लौगे तो आपको यहाँ पर वारंटी नहीं मिलेगी और दूसरा लोगे तो यहाँ पर वारंटी भी मिलेगी तो मैं 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 चॉइस करूँगा कि आप सेकेंड वाला लीजिए एक वाला ठीक ना तो एक में ये आपको एक साल के लिए आई सर्विस मिल जाएगी और अमाउंट भी आपका टोटली जितना होगा उतना आ जाएगा ठीक है ना आने के बाद इंडियस मतलब अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है सिटी सेलेक्ट कर लेना है सिटी सेलेक्ट करने के बाद पोस्टल एड्रेस जहाँ आप रहते हैं ठीक है ना तो वहाँ के आपको यहाँ पर एड्रेस देना है और पे फोर तो पे फोर पे आपको क्या डालना है रैन मार्क पर क्या डालना है आप इस पर कुछ डालना चाहे तो डाल सकते हैं वरना नहीं डाल सकते हैं तो मैं बता देता हूँ अगर आप मतलब डाल दीजिएगा आप यहाँ पर पे फोर पे आईडी सर्विस आपको डालना है ये याद रखना ठीक है ना पे फोर पे आईडी सर्विस और रैन मार्क पर भी आई सर्विस दोनों पर आई सर्विस डालना है ठीक है ना और फिर आपको अपना पैन कोड डाल पैन कार्ड पिन कोड जिलेगा वो डाल देना है ठीक है ना इतना डालने के बाद पे नाउ पे क्लिक कर देना है तो मैं फटाफट -फ़ड़ भर लेता हूँ मैं आपको अपनी ये डिटेल दिखानी चाहूँगा ठीक है ना दोस्तों तो दोस्तों जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा तो सिंपली से आपको एक्सेप्ट कर लेना है ठीक है ना एक्सेप्ट करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा ये पे यू यानी कि पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे दो सौ चौबीस रुपये आपको पे करना पड़ेगा आपकी आई डी सर्विस चालू हो जाएगी तो आप जिससे भी यहाँ पर पे करना चाहेंगे पे कर दीजिएगा पे करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा इसका रिफ्रेंड डाउनलोड करने का ठीक है ना तो इसकी रसीद डाउनलोड कर लीजिएगा डाउनलोड करने के बाद रख लीजिएगा और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो फिर मैं कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिएगा मैं आपको केयर का नंबर भी दे दूँगा दोस्तों आई होप आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों हाँ इसका जो ये डिवाइस है आधे से एक घंटे में आपकी चालू हो जाएगी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही जय हिंद वंदे मातरम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में